कांग्रेस द्वारा 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी की याद में भाजपा द्वारा पूरे देश में काला दिवस मनाया गया। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला व उन भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान बिना जुर्म गिरफ्तारियां दी व यातनाएं सही। भाजपा के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा व इस इमरजेंसी के गवाह रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता मास्टर मोहनलाल विशेष तौर पर उपस्थित रहे। और कांग्रेस बड़ी पूरी तरह गुजरात के चुनाव हार गई। चार कारण दस्ते गुजरात का चुनाव हार गए, जजमेंट इंदिरा गांधी के खिलाफ आ गई, जयप्रकाश अंदोलन पीक से और इन हालात श्रीमती इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर करता है कि देश कुतल का सामना कर रहा है। ये शब्द तुम लिखना पेगा, इंदिरा गांधी के शब्द से देश आंतरिक उथल पुथल है। ऐसा कि 25 जून 1975 नूं देश का कोई भी नागरिक भुल नहीं सकता। 25 जून 1975 के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई सी, विचारां दी अभिव्यक्ति नूं रोकिया गया सी और वो देश दे लोकतंत्र लई काला दिन सी। वो ऐसा काला अध्याय है जिहड़ा कांग्रेस की मानसिकता नूं प्रगट करता है कि उस वेले दे प्रधानमंत्री जी ने देश दे लोकां दी आवाज़ नूं बंद करन लई, कोर्ट दे फैसले नूं बदलन दे लई पोलिटिकल पार्टियां दे लोकां नूं जेलां च बंद करता और चौथा स्तंभ के जाण वाले मीडिया दे उत्ते भी प्रतिबंध लगाए और जिहड़ा अगेंस्ट बोलदा सी उहनूं चुक के मीसा च पा दिंदे सी। इहदे लई 1975 च जो कांग्रेस ने कीता देश उहनूं माफ नहीं कर सकदा। अज लोकतंत्र दीआं वड्डीआं वड्डीआं गल्लां करन वालिआं ने किस प्रकार लोकतंत्र नूं तार तार कीता, विचारां दी अभिव्यक्ति नूं रोकिआ, ये इतिहास देश दे अंदर याद रहे और ये काला दिन जिहड़ा है कदी भी दुबारा हिंदुस्तान दे लोकतंत्र च ना आए। हर आदमी नूं अपनी गल कहण दा अधिकार प्राप्त होए और पुराने जिहड़े 1975 वाले दिन है उन्हां दी सोच जिहड़ी है उहदे तों देश जिहड़ा बाहर निकले। इस करके 25 जून नूं असीं पूरे देश भर च भारतीय जनता पार्टी काला दिन दे दिवस दे अंदर मना रही है। अज पूरे पंजाब दे वड्डे वड्डे शहरां च पार्टी दे नेता जिहड़े है 1975 च 25 जून नूं एमरजेंसी जिहड़ी लगी उन्हां दिनां च किस प्रकार दा जुल्म होया उहदी जानकारी आने वाली पीढ़ी नूं भी मिले, इस करके दिन मनाया जा रहा है। लोकतंत्र की रक्षा का दिन है और 25 जून 1975 नूं इंदिरा गांधी जी ने जो एमरजेंसी लगा करके लोगों के हकूक खोते सी, प्रेस की आज़ादी पर हमला किया सी, लोगों नूं जागरूक करने वास्ते सारे देश भर च ये दिन मनाया जा रहा है। और जिहड़े लोग साढ़े नाल उन्हां दिनां च जेल च गए सीगे एमरजेंसी के दौर च जेल दियां काल कोठी अंदर तसीहे से सी, असी भारतीय जनता पार्टी वालों उन्हां सारे नूं सम्मानित कर रहे। कारण यह कि इंदिरा गांधी जी का इलैक्शन नल एंड वाइड करता सी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और इंदिरा गांधी ने कोर्ट के हुक्म नूं मनन तो इनकार करता सीगा। रेलवे की हड़ताल सी, विद्यार्थियों का जिहड़ा सी अंदोलन चल रहा सी, जयप्रकाश दे बड़ा अंदोलन उस वेले भखमा अंदोलन चल रहा सीगा और इंदिरा गांधी दे उसी टेन्योर च गुजरात च विधानसभा के चुनाव हुए सी जिससे कांग्रेस नूं बड़ी वड्डी शिकस्त शर्मनाक हुई सी। इन्हां चीज़ां नूं ध्यान च रखदे हुए इंदिरा गांधी ने सोच लिया कि मैं ये गद्दी नहीं छड़नी, मैं इस नूं हमेशा हमेशा लिए अपने कब्जे च रखना, इस करके उन्होंने एमरजेंसी ला दी। असीं उहदे विरोध च जेलां च चले गए। मैसेज यह है लोगों को कि बई लोकतंत्र लई हमेशा हिंदुस्तान का नागरिक खड़ा रहे, जागरूक रहे, प्रेस के मित्र जागरूक रहन,
हमेशा जागते रहन कि ये देश कुछ फंडामेंटल राइट्स अपने लोगों को देता है, वो मूलभूत अधिकार कोई खो के ना ले जाए, इस करके असं ये दिन मना रहे हैं। 25 जून 1975 देश के अंदर जिस वेले एमरजेंसी का ऐलान किया, ये एमरजेंसी क्यों लगी ऐसी पृष्ठभूमि के अंदर भी सानू जाना पेगा। जिस वेले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी नू डिसक्वालीफाई करता, जिस वेले उदा इलेक्शन जड़ा वो भ्रष्टाचार दे भ्रष्टाचार जड़ा उन्होंने किया सी, उस वेले इलेक्शन जितने दे वास्ते वो अपना जड़ा जगमोहन सिन्हा सी चीफ जस्टिस अपना उतों के इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने उन्होंने डिसक्वालीफाई किया। इंदिरा गांधी उन्होंने कोर्ट के अंदर बुला के विटनेस बॉक्स च बुला के जिस वेले उन्होंने सवाल पूछे वो उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दे सकी और उत्थे वो गिल्टी जड़ी है उन्होंने उत्थे साबित हो गई। उस वेले उन्होंने 6 साल वास्ते वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उन्होंने डिसक्वालीफाई करता। उसके बाद ये दौर शुरू हो गया गुंडागर्दी का, देश के अंदरों यूथ कांग्रेस के गुंडे बुला के हर रोज जड़ा उथे वो अपनी कोठी के अगे उन्होंने प्रदर्शन हुंदा सी। सारे चीफ मिनिस्टर जड़े ने हिंदुस्तान के जड़े उन्होंने चरण धोंदे सी, उन्होंने कहा इंदिरा गांधी जी कोई गल नहीं है, तुसी जाने की अगे वधो असी तुहाडे नाल हाँ, तुसी बिल्कुल नहीं परवाह करनी कि कोर्ट की कहती है। कोर्ट ने देखो जी अज कहा जाता भी कोटा स्वतंत्र है, नहीं मैं उदों की गल दसे करना भी उदों की होया। 25 जून तो पहले लगातार यूथ कांग्रेस के गुंडिया ने लगातार उत्थे प्रदर्शन करने और जगमोहन सिन्हा मुर्दाबाद के नारे लगा के जिहड़ी कोर्ट की आजादी है उसके खिलाफ बोल के इन्होंने एक देश के अंदर ऐसा माहौल बनाता कि 25 तरीक इन्होंने इंदिरा गांधी जिहड़ी है 24 तरीक सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट तो भी उन्होंने राहत जिसले नहीं मिली उन्होंने 25 तरीक जिहड़ी है देश एमरजेंसी लगाती। 26 तरीक सवेरे जिस वेले असी उठे हाँ उस वेले साडे जिहड़े नेता ने उन्होंने फड़ के लैके जा रहे ने, असी अखबारां देखियां अखबारों के पेज बिल्कुल अपना काले सन, अखबारों के उत्ते कुछ नहीं सी लिखेदा। उसके खिलाफ फिर असी 25 तरीक असी एक योजना बनाई, योजना बना के असी सैकलोस्टैल मशीन लैके असी सैकलोस्टैल मशीन से खबरां छाप के असी कांग्रेस के जिन्हें भी पठानकोट के अंदर लीडर सन इन्होंने घर के अंदर पोस्टर छुटे। उसके बाद इन्होंने फिर सानू गिरफ्तार किया, असी अंडरग्राउंड हो गए, असी इन्होंने हाथ नहीं आए, असी साडे कुछ साथी जड़े ने इन्होंने हाथ आ गए मगर कुछ साथी इन्होंने हाथ नहीं आए। रागी होम डेकोर, गिव योर होम ऑफिसेज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स सीलिंग फर्नीचर and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wall, wallpapers, partition jali, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे आपके घरों दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यवसायिक स्थलों को 100% eco-friendly, 100% moisture-proof, 100% termite-proof, excellent weatherability, sound-reducing, fire-retardant, recyclable and lightweight, जैसी खूबियों से भरी शील्स, बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें, रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट, कॉन्टैक्ट अस ऑन 9540061113।